हेलो एवरीवन, प्रोग्रामिंग सीखने के लिए लर्न प्रोग्रामिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि एल्स इफ ब्लैडर स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। एल्स इफ ब्लैडर स्टेटमेंट्स नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट की तरह ही होते हैं। जिस प्रकार से नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स के अंदर हम एक से ज्यादा कंडीशंस को चेक कर सकते हैं, उसी प्रकार से एल्स इफ ब्लैडर स्टेटमेंट्स भी होता है। लेकिन एक इफ एल्स ब्लैडर स्टेटमेंट इज यूज टू चेक मल्टीपल कंडीशंस प्रोग्राम। इसका भी यूज हम एक से ज्यादा कंडीशंस को चेक करने के लिए किया जाता है। लेकिन अगर हम बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनाते हैं तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए एल्स इफ ब्लैडर स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। लेकिन नेस्टेड इफ एल्स का यूज करते हैं तो हमारा प्रोग्राम काफी बड़ा हो जाता है। ये हमारी उसकी प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए एल्स इफ ब्लैडर स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। तो हम उसका सिंटेक्स देखते हैं कि किस प्रकार है। इफ स्टेटमेंट्स दिया और फिर हमने ब्रैसेस के अंदर कंडीशन चेक करेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है। और एल्स इफ, अब हम एल्स इफ ब्लैडर के अंदर क्या करते हैं कि एल्स का यूज इफ के साथ में करते हैं। तो अगर हमें कंडीशन चेक करनी होती है तो हम एल्स इफ के अंदर भी कंडीशन चेक कर सकते हैं। लेकिन और हम जो स्टेटमेंट्स हमने पढ़े तो हम एल्स के अंदर किसी प्रकार के कंडीशन चेक नहीं करते हैं, लेकिन इसका हम इन दोनों का साथ में यूज करके हम कंडीशन दे सकते हैं इस स्टेटमेंट के अंदर। और अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसी प्रकार से एक से ज्यादा हम कंडीशन इसमें एल्स इफ ब्लैडर का यूज करते हुए एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज करते हुए हम कंडीशन को चेक करेंगे। अगर ये सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एक एल्स पार्ट देंगे, एक एल्स स्टेटमेंट देंगे। वो अगर वो सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम एल्स इफ ब्लैडर स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ये हमारा एल्स इफ ब्लैडर का फ्लो चार्ट है। जैसे कि सबसे पहले कंडीशन चेक करी जाएगी, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो ये इस वाली कंडीशन को चेक करेगा, तो फिर और फॉल्स होगी तो इस वाले ये एल्स पार्ट है इसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो इस प्रकार से हमारा ये जो अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो लास्ट वाले एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा, उसमें लिखा गया स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अब हम उसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं किस प्रकार से उसका यूज करेंगे हम प्रोग्राम के अंदर। तो जैसे इंट नाम के डेटा टाइप लिया है, उसके अंदर मैंने परसेंट नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है और फिर इफ स्टेटमेंट का यूज किया है और ब्रैसेस के अंदर हमने कंडीशन दी है कि परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल 60 है, तो प्रिंट ऑफ फंक्शन के अंदर हमने ये प्रिंट करवाया है कि वो फर्स्ट डिवीजन प्रिंट होना चाहिए। इसी प्रकार से एल्स इफ का यूज करके हमने वापस कंडीशन दी है कि अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल 45 है तो हमारा प्रिंट होना चाहिए सेकंड डिवीजन। और अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती है अगर हम कुछ तो हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, उसमें प्रिंट हो जाएगा फेल। तो इसी प्रकार से हम एल्स इफ ब्लैडर स्टेटमेंट का यूज करके एक से अधिक कंडीशन को चेक कर सकते हैं। और इसके अंदर हम इसमें ज्यादा सबसे अलग स्टेटमेंट तो ये है कि इसमें एल्स इफ का एक साथ यूज किया जाता है और कंडीशन चेक की जाती है। तो इसके पहचानने का तरीका यही है कि हम इसको ऐसे ही पहचान सकते हैं कि जब एल्स इफ साथ में होते हैं तो ये समझ लो कि ये एल्स इफ ब्लैडर स्टेटमेंट का ही इसके अंदर यूज किया गया है। तो इसका हम प्रोग्राम रन करके देखेंगे कि किस प्रकार रन होगा। अभी तो हमने थोड़ा बहुत एग्जाम्पल के थ्रू समझा है, अब इसको हम रन करके देखेंगे। अब हम इफ एल्स ब्लैडर का प्रोग्राम करेंगे तो उसको रन करके देखेंगे। तो उसके लिए इंट नाम का डेटा टाइप लिया है, उसके अंदर परसेंट नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर किया है और हमने CLR फंक्शन का यूज कर लेते CLR फंक्शन का यूज किया और प्रिंट ऑफ फंक्शन का यूज करके हम मैसेज प्रिंट करवाते हैं कि एंटर परसेंटेज भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो आप उसके लिए, तो मैसेज प्रिंट करवाना है उसमें। तो और स्कैनर फंक्शन का यूज करेंगे, उसकी वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए स्कैनर फंक्शन का यूज किया। देन परसेंट डी और एंड ऑपरेटर का यूज करके और उसकी वैल्यू को हमने स्टोर करवाया वेरिएबल की। इस प्रकार से हमने स्टोर करवाया और देन वापस अब इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे। इफ एल्स लेटर के अंदर भी हम एक से अधिक स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट का यूज करके हम कंडीशन को चेक कर सकते हैं। लेकिन इसका यूज इसलिए किया जाता है कि हमारे प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को कम करता है। तो हम परसेंटेज का यूज करते हैं और हम कंडीशन देते हैं कि अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल है 60 से तो मैसेज प्रिंट होना चाहिए। प्रिंटर फंक्शन यूज करके मैसेज प्रिंट करवा देंगे कि फर्स्ट डिवीजन, ठीक है। ये हमने मैसेज प्रिंट करवाया और वापस हम कर्ली ब्रैकेट से क्लोज करेंगे। फिर हम अब वापस एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे।
एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज करके हम कंडीशन को चेक करेंगे कि अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल 45 है तो हमारा मैसेज प्रिंट होना चाहिए। प्रिंटर फंक्शन का यूज कर लिया, सॉरी क्या लिख रही हूँ, प्रिंटर फंक्शन का यूज किया और अब यहाँ मैसेज प्रिंट करवा देंगे सेकंड डिवीजन, डिवीजन ठीक है। यहाँ हमने सेकंड डिवीजन मैसेज प्रिंट करवा दिया। अब यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज करते हैं। अब वापस एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं, कितनी भी कंडीशंस को हम चेक करना हो तो हम इस प्रकार से हम इसको चेक कर सकते हैं, एल्स इफ ठीक है। अब यहाँ पे आप कोई भी कंडीशन दे दो कि अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल 36 है तो मैसेज प्रिंट करवा दो कि प्रिंटर थर्ड डिवीजन, ऐसे भी प्रिंट करा सकते हो आप डिवीजन और वापस कर लेंगे तो इसे क्लोज किए। अब एल्स पार्ट का यूज करेंगे, अगर हमारी तीनों कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, तो उसके लिए एल्स पार्ट हमने दिया और देन कर्ली ब्रैकेट्स का यूज किया। अब प्रिंटर फंक्शन का यूज करेंगे कि उसके अंदर फेल हो जाएगा फिर, तो हम यहाँ मैसेज प्रिंट करवा देते हैं फेल फेल। अगर ये तीनों कंडीशन फॉल्स हो जाएगी हमारा ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा और गेट्स फंक्शन का यूज करके अब हम प्रोग्राम को क्लोज करते हैं। इस प्रकार से आप एक से ज़्यादा कंडीशन इफ एल्स लेटर का यूज़ करके हम चेक कर सकते हैं। अब हम प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि कोई एरर तो नहीं आ रही है, एक एरर आ रही है तो उसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें आ रहा है कि फंक्शन प्रिंट ऑफ, प्रिंट ऑफ की मीनिंग प्रिंट एफ नहीं लगाया मैंने इसका तो इसलिए एरर शो हो गई। अब इसको हम रन करते हैं, अनडिफाइंड सिंबल मीन सॉरी मेन फंक्शन कैन स्ट्रीक। अब एक्सेल ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, एंटर परसेंटेज तो हमने डाला 16 तो ये फर्स्ट डिवीजन। जिस प्रकार से हमने कंडीशन के अंदर दिया था कि अगर इफ स्टेटमेंट में हमने कंडीशन दी थी कि अगर परसेंटेज इक्वल परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल 60 होता है तो हमारा क्या होगा फर्स्ट डिवीजन, या तो ग्रेटर देन होगा ये इक्वल, तो हमारा इक्वल 60 है तो ये फर्स्ट डिवीजन प्रिंट हो गया। अब कंडीशन देंगे कि अगर कंडीशन दी थी 45 तो ये सेकंड डिवीजन प्रिंट हो गया। इस प्रकार से हम कंडीशन चेक कर सकते हैं। अगर हम डालते हैं 30 तो ये फेल प्रिंट हो गया। इस प्रकार से इफ एल्स लेटर का यूज करके आप एक से अधिक कंडीशन को चेक कर सकते हो, जिस प्रकार से हमने इस प्रोग्राम के अंदर की है।